आपको दिया हुआ है व्हाट विल बी द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेन हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सिंबल्स एंड नोटेशन किया गया एंड यूजुअल मीनिंग्स। देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है उस तरीके से हम लोग बना सकते हैं सी डब्लो एच और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे हमने लगा दिया ओ एच। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं सी डब्लो एच और ओ एच, और हम लोग पेगा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसका बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया इसका पेगा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, पेगा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पेगा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा हमें क्या निकालना है, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, एच प्लस निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो यहाँ को कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम मेटा पे देखें तो मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगा है, माइनस आई, और ये कौन सा इफेक्ट लगा है, प्लस ए। ठीक है, क्यों लगा है, क्योंकि ये कौन सी पोजिशन पे है, पेगा पोजिशन पे है, पेगा। ये कौन सी पोजिशन है, मेटा। ये कौन सी पोजिशन है, ऑर्थो, ऑर्थो। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हम इसका यदि एसिडिक स्ट्रेंथ को देखें तो आप लोग ये देख सकते हो इसमें कि सी डबल ओ माइनस और ये ओ एच, ये इसके साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, हम लोग इसको बिल्कुल क्लियरली बना लेते हैं। यदि हम इसमें से एच प्लस को निकाल ले तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस और यहाँ पे क्या आ गया, ओ एच, ये इसके साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन कब कर रहा है, एच प्लस निकलने के बाद। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि इसमें पहला पहला आइटम पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो हमेशा ही प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, एनायन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। और आप लोग अच्छी तरह से ये स्टूडेंट को बता सकते हैं हम लोग कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, एनायन की स्टेबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करती है, एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन कम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि कौन कौन से होते हैं, प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। इसलिए जो इसका आंसर आना चाहिए, ऑर्थो देन मेटा देन फिर पेगा, ये वाला आंसर इसका आना चाहिए। तो दैट विल बी द ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।